हमारी पंचायत में आज फैसला लिया गया, सभी खापा के रोज आदमी आवेंगे यहाँ, और 15 दिन तीन लगता आते रहेंगे। 15 दिन में अगर सरकार नहीं मानी तो 21 तारीख को मैं फिर कमेटी की मीटिंग होगी, तो कमेटी की मीटिंग लेकर आपके फैसले, फिर उसका आगे फैसले दिए जाएंगे। हमारा ये फैसला हो गया। सिरसा साहब, आप ये लो, आप ये। सभी प्रेस वालों का धन्यवाद, और मैं प्रेस से निवेदन करता हूँ कि आज की जो हमारे अलग अलग प्रदेशों की और खास पंचायतों की और SKM गैर राजनीतिक और SKM दूसरे की सभी की मीटिंग जो हुई है, उस मीटिंग में जो प्रधान जी थे आज के, उन्होंने ये फैसला सुना दिया है कि अगर फैसला नहीं होता तो 21 तारीख को हम आगे मीटिंग। और इसके अलावा ये भी फैसला हुआ है कि जो पहलवानों ने संघर्ष शुरू किया है, ये इसी तरह संघर्ष पहलवान चलाएंगे, और हम सब लोग इनको सपोर्ट करेंगे, चाहे गांव पंचायत है या किसान संगठन है, जितने भी लोग हैं हम इनको सहयोग देंगे, और सरकार को ये मजबूर कर देंगे कि उस दुष्ट मंत्री का इस्तीफा लेकर उसको थाने में जेल में बंद किया जाए, ताकि इन जो हमारी लड़कियों की इज्जत के ऊपर जो हाथ डाला है, उस दुष्कर्मी को जो है जेल में बंद करके अदालत द्वारा सजा दिलाई जाए, और जो उनके परिवार के जो मेंबर जो हैं अभी भी उनको हटाया जाए, ये आज का जो फैसला हुआ है। और इसके अलावा जो 21 तारीख तक ये सरकार ये काम हमारी से शर्त इन्होंने रखी है, जो ये मांग है ये पूरी नहीं होती तो 21 तारीख को जो मीटिंग होगी उसके में, उस मीटिंग में कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आज यहाँ पे खाप पंचायत और SKM के भी हमारे लोग यहाँ पे थे, डॉक्टर दर्शन पाल जी थे, मित्तल साहब थे, सिरसा जी थे, युगवीर सिंह जी यहाँ पे थे, और खाप पंचायतों के प्रतिनिधि यहाँ पे थे। और ये फैसला हुआ है कि हर खाप से हर रोज यहाँ पे लोग आएंगे, दिन में आएंगे, रात को वापस चल जाएंगे, अगले दिन फिर दूसरे लोग आएंगे, और जिन लोगों को रात को यहाँ रहना है वो रह सकता है। और हमने ये भी कहा कि जो कमेटी, जो हमारे पहलवान है, इनकी जो कमेटी है वो ही यहाँ के धरने की देखरेख करेगी, इन्हीं के उसमें ये आंदोलन चलेगा, हम पूरा इनको बाहर से सपोर्ट करेंगे। 21 तारीख की मीटिंग रखी, फिर दोबारा 21 तारीख तक सरकार बातचीत नहीं करती, समाधान नहीं निकालती, तो 21 तारीख के बाद में फिर आगे की रणनीति फिर बनाई जाएगी, ये फैसला हुआ है। प्रेस से भी हमारा है कि आप जिस हिसाब से 15 दिन से इस आंदोलन को दिखा रहे हैं, आपका भी धन्यवाद है, आप इस आंदोलन को ऐसे ही दिखाते रहे तो हमारे बच्चों को इंसाफ मिलेगा। ये हार और जीत जिस तरह का मामला चला है, ये देश की बदनामी हुई है, जो तिरंगे की बदनामी हुई है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। ये बच्चे अब हमारी धरोहर है, ये देश की धरोहर है, ये तिरंगे की धरोहर है, इनको हम हर संभव मदद करेंगे। धन्यवाद। और शाम को 7 बजे जो लोग यहाँ पर धरने पर रहेंगे, वो कैंडल मार्च यहाँ पर होगा, पूरे देश में इन्होंने प्रोग्राम बनाया है, कॉल यहाँ से दी है, तो जिन जिन लोगों को भी पता चले, शाम को 7 बजे अगर अपने शहर में गांव में यहाँ पर भी वो कैंडल मार्च जरूर निकाल दें। कोई क्वेश्चन? जी, नहीं नहीं, ये तो एजेंसियां हैं हमारी, गवर्नमेंट की सब एजेंसियां यहाँ पे है, हम सांस निकालते हैं तो उनको पता है कि इनकी हार्ट बीट कितनी है, ये 72 सांस लेते हैं या 82 लेते हैं, सब पता है उनको।
लिखित में किसके देखो जाता तो यहाँ है नहीं ऐसा लगेगा कि ये जी। हाँ भाई टाइम तो देना ही पड़े हैं भाई, आगे का फिर हम फैसला लेंगे नहीं कुछ देता फिर बढ़ा देंगे इसको आगे क्या वो करेंगे। अभी तो 21 दिन का ये है 21 तारीख तक का कि हर रोज हर खाप से लोग आएंगे उनके यहाँ रजिस्टर मेंटेन है कौन कौन लोग आ रहे ये कमेटी यहाँ पर ठीक से होगी शांतिपूर्ण तरीके से चलाए और आपातकालीन में अगर इनके साथ में कोई दिक्कत होती है तो फिर 24 घंटे पूरा देश पूरा समाज इनके लिए खड़ा हुआ है। हाँ और कहाँ रहेंगे अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे सुबह जाकर प्रैक्टिस करेंगे फिर यहीं आ जाएंगे और कहाँ जाएंगे ये जब हाथ में ठालिया जनरल क्या 10 क्या 15 मिनट पार करके ही चलेंगे। अब पहले से कहा जा रहा है कि ये आंदोलन हम बाद में लेंगे पर जितना भी सर लोगों से पूछना है जो पूछ लीजिए। सरकार ने तो भेज सर्टिफिकेट हमको 13 महीने का देकर भेज रखा 13 महीने का दे रखा तो हम इतने वो है कि सरकार अभी सुनने की नहीं अभी ये लंबा चलेगा उसके लिए सबको प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये आंदोलन लंबा चलेगा ये पूरे देश में चलेगा धीरे धीरे अलग अलग जिलों में चलेगा आने वाले टाइम पे ये बढ़ेगा इसकी स्पीड बढ़ेगी। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि रोक रोक के पहले भी देख लिया आपने देखा था कि किसानों को रोकते रहे सड़कों में खाई खोदते रहे लेकिन वो आंदोलन कील गाड़ते रहे लेकिन उस आंदोलन पे फर्क पड़ा इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये निवेदन करता हूँ कि ये हमारी परीक्षा ना लें हम परीक्षा पहले ले चुके हैं और हम उस परीक्षा में पास हुए सरकार फेल हुई है और अब भी ये जो बच्चे हैं ये लड़कियां हरियाणा की नहीं है ये लड़कियां जितने लोग हम बैठे हैं ये हमारे देश की बच्चियां हैं ये हमारी बेटियां हैं और हम अपनी बेटियों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कल गैर राजनीतिक जो हमारा संगठन है सरदार जगजीत सिंह धन्यवाद हमारी सभी तरफ से तो 5000 के करीब हमारे जो वर्कर हैं कल वो यहाँ दिल्ली पर पहुंच रहे हैं और जंतर मंतर पर आएंगे इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। थेली मठ पिट्टू ने ये कोई आपकी मीटिंग नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस है थेली मठ पिट्टू में जो क्वेश्चन है ये प्रेस वाले कोई होगा क्वेश्चन ये कर लेंगे आपको बीच में नहीं बोलूंगा। अरे पुलिस ने परमिशन यहाँ की दे रखी क्या यहाँ की दे रखी परमिशन दे के कोई पंचायत हुए करे यहाँ भी कोई पॉलिटिकल वो नहीं है नॉन पॉलिटिकल ये संगठन है यहाँ पे उस पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग हमारे समर्थन में हैं। ये बेटियों का मामला है इसमें पॉलिटिक्स ना करें यहाँ पे उनके पार्टी के लोग भी हमारे समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में हम साथ में हैं हम पार्टी में उसमें हैं वोट भी हम वहीं देंगे लेकिन इस आंदोलन में हम आपके साथ में हैं क्या जरूरत है वो हमको बताओ तो यहाँ पॉलिटिक्स नहीं। आ कर लेंगे कुत्ता जहन में क्या को वो करना कर लेंगे वो प्रोग्राम भी है आंदोलन का है जिला मुख्यालय पे 11 तारीख से 18 तारीख तक वो भी चलेगा जिसका जो मन करा वो कर लगा पुतला क्या को जिंदे को वो कर दिया तो फूस लगा के किसी का ही नाम लिख दो सिंबॉलिक होते हैं ये तो भाई नाराजगी जिससे होती है वो देख लेंगे उसे तो क्या क्या यहाँ तो जुड़े हुए हैं अभी तो यही रखेंगे अभी स्थान जो होगा वो आंदोलन का स्थल अभी यही रहेगा ये बैरिकेडिंग के अंदर ये चलता रहेगा क्योंकि लंबा चलेगा और तो लंबा चलने की उसकी रणनीति भी आदमी रोज आएंगे जाएंगे इनके सिर में दर्द रहेगा
तो क्योंकि रोज दवाई खाओगे तो आराम तो जब ही मिलेगा ना, रोज बोर्ड से लोग आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। ऐसा लग रहा है दवाई थोड़ा थोड़ा असर कर रही है। नहीं नहीं कोई नहीं, हम किसी के घर पर नहीं जाते, ये यही स्थल है जो धरना स्थल है यही है, न्यूसेंस हम किसी के ऊपर नहीं करते, किसी के घर पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। साहब आपने कहा कि कई लोग आएंगे हर दिन आएंगे फिर जाएंगे, वो लोग रहेंगे कहाँ अगर रात को रुकना होगा यहाँ तो? रात को नहीं रुकेंगे, वे चले जाएंगे, ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे। यहाँ पे शब्बेन जो लोग हैं जो रात को रह सकते हैं कम लोग, और इनकी जो टीम है वो यहाँ पर रहेगी, ज्यादा लोग नहीं। ठीक है जी, इसलिए जब कोई हाँ होगा जब देखेंगे अब पता नहीं कहाँ कहाँ से नाम लेकर आओ, हाँ कर रहे हैं उनका भी कर रहे हैं, हाँ वो भी बेटियां ही हैं, किसी के साथ में गलत हुआ है तो हम उनके भी साथ में। ठीक है साहब, ये पहले कहा जा रहा था कि ये प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। कहाँ यहाँ तो पॉलिटिकल वाला थी। अच्छा ये बताओ कोई आदमी यहाँ से आएगा जो वोट ना देता हो? एक आदमी हटाओ जो वोट ना देता हो। अरे क्वेश्चन सुन ले, इधर कोई पॉलिटिकल आदमी है अजय? और क्या है सवाल? ये कहा जा रहा था कि पॉलिटिकल पार्टी रेगुलर रिप्रेजेंटेटिव उनके आ रहे हैं तो कब्जा हो गया, अभी फार्मर्स और खाप पंचायतें आ रही हैं, तो क्या फार्मर्स ने इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया? नहीं हमने कोई हाईजैक नहीं करा, ये सब मूवमेंट ही नहीं का ही है, और यहाँ पे जो भी आएगा उसका समर्थन है। पॉलिटिकल आदमी जिसको दुख दर्द होता है वो आता है, अगर पार्लियामेंट में तो एक जगह गोलगप्पे खाएंगे बैठ के, और यहाँ पे ऐतराज है, ये वहाँ पे बैन लगाए कि कोई भी सत्ता रूप से अलग कोई आदमी वहाँ पे नहीं जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे भी सोच लेंगे। अभी नहीं, अभी तो यहाँ आएगा जो भी आएगा, दिन में आएगा रात को चला जाएगा। टेंट लगने कम थे क्या बोर्ड रूम में? भाई 13 महीने आप लोगों ने सबने टेंट तो देखे, सरकार उन चीजों को ना भूल ले कि हम वे ही हैं। हो जाएगी सुनवाई, होगी हो जाएगी जैसे टाइम आएगा तो सुनवाई होगी। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मानीय लोग यहाँ पे आए हमारा समर्थन करने के लिए, हमें ताकत देने के लिए इस न्याय की लड़ाई में, जो आज फैसला लिया गया है वो तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बता ही दिया है, 21 तारीख तक का टाइम दिया है, अगर उसमें हमारी सुनवाई हो जाती है जो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर वो पूरा नहीं होता है तो 21 तारीख के बाद कोई बड़ी को ली जा सकती है हमारी तरफ से। ये सब लोग हमारे सपोर्ट में है, जो भी फैसला जो भी होगा वो हम खिलाड़ियों का, जो हमारे कोचिज हैं, जो हमारे गुरु पर है उनका फैसला होगा, तो हाईजैक किसी ने नहीं किया है, ये सिर्फ एक अन्याय की लड़ाई है, हर देश की बेटी की लड़ाई है, ये हर कोई महिला इससे कनेक्ट कर सकती है जिस चीज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आपको भी दिखाई दे रहा सुबह से आ रहे हैं, गर्मी हो रही है लेकिन हमारे सपोर्ट में है, हमारी भावनाओं की कदर करते हैं, हमारे मान सम्मान की उनको फिक्र है, तो पूरे देशवासियों का धन्यवाद है कि आपने हमें कमजोर नहीं पड़ने दिया, आप मजबूती के साथ हमारे खड़े हो, आपकी बेटियों का हौसला बढ़ा रहे हो, आप जो हमें ताकत दे रहे हो, तो इस लड़ाई में हमें एक मजबूती मिल रही है, लड़ाई कितनी भी लंबी हो हम लड़ने को तैयार हैं। क्यों नहीं करेंगे, लेकिन धरने पे हम बैठ के जितना हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, परमात्मा ने चाहा तो हमें जरूर मौका मिलेगा, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमने छोड़ा नहीं है अभी।
हम कर रहे हैं, हमें जितना भी टाइम मिल रहा है हम ट्रेनिंग का टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी प्लान करके ट्रेनिंग का उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। एक भी दिन अभी हमारी ट्रेनिंग मिस ना हो उसका हम अभी प्लान करेंगे आज से ही, और बिल्कुल हम कम्पीट करेंगे, कॉम्पिटिशन में हम जाएंगे। FIR तो हो गई है जी, लेकिन अभी 164 के बयान भी नहीं हुए हैं। हमारी एक ही डिमांड है कि बल्ब मुस्लिम की गिरफ्तारी हो, उसके बाद में ही इंटरोगेशन स्टार्ट, जो भी जांच हो उसके बाद में हो, लेकिन पहले उनकी गिरफ्तारी हो, यही हमारी डिमांड है।